हरियाणा में एक बार फिर जाट आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जाटों ने 29 जनवरी से आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने भी कमर कस ली है और कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि शहर में रेलवे स्टेशनों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों से करीब 500 मीटर की दूरी पर अधिक लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संभावित इलाकों में अर्धसैनिक बलों की कंपनियां पहुंच चुकी हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने राज्य में कई जगहों पर फ्लैग मार्च भी किया है। वहीं सोनीपत में शुक्रवार को 35 खापों के नेता इसके समर्थन में सामने आ गए हैं। हिसार में भी 8 खापों ने बैठक कर आंदोलन में शामिल होने का ऐलान कर दिया। खापों के प्रधानों ने कहा कि आरक्षण के लिए वे बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हैं। इस बीच रोहतक में बेमियादी धरना शुरू कर दिया गया है। आंदोलनकारी पिछले जाट आंदोलन के केस वापस लेने और लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल इसी तरह के आंदोलन में 30 लोगों की मौत हो गई थी और व्यापक तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी। इस हिंसा में रोहतक और सोनीपत, झज्जर सहित इसके कुछ पड़ोसी जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। तो पिछली बार हिंसक हुए जाट आंदोलन से सबक लेते हुए हरियाणा सरकार इस बार पहले ही अलर्ट पर है। अब देखना होगा कि कल से शुरू हो रहे जाट आंदोलन का क्या प्रभाव होता है। देखते रहिए डीबी लाइव।